हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पार्टनर चैनल। मेरा नाम प्रवीण सिंह राजपुरोहित और आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं ट्री ट्री। ये क्या अपना सर्च ट्री का एक टाइप है। इससे पहले हमने देखा था एवियर ट्री, बाइनरी सर्च ट्री और रेड ब्लैक ट्री, जिसका वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहां पे जाके देख सकते हो। तो आज की वीडियो अपन क्या पढ़ेंगे, ट्री ट्री। इससे कुछ पॉइंट्स गिवन है, पहले हम वो पढ़ते हैं, इनको समझेंगे, उसके बाद में इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है आपको, अ ट्री इज अ मल्टीवे ट्री डेटा स्ट्रक्चर यूज फॉर स्टोरिंग ओवर एन अल्फाबेट। तो अपना ट्री क्या, ये अपना एक मल्टीवे ट्री डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। किसके लिए यूज होता है ये, फॉर स्टोरिंग ओवर एन अल्फाबेट, हुआ अगर अच्छे से। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, इट इज यूज टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रिंग। अगर आपके पास में लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रिंग है और उसको स्टोर करना है तो हम यहाँ पे ट्री डेटा स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, अ ट्री इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स पैटर्न मैचिंग क्वेरीज इन टाइम प्रोपोर्शनल टू द पैटर्न साइज। अ ट्री इज अ डेटा स्ट्रक्चर, हमने पहली पढ़ाई है कि हमारा क्या ये डेटा स्ट्रक्चर है, क्या करता है ये, दैट सपोर्ट्स पैटर्न मैचिंग क्वेरीज, पैटर्न मैचिंग क्वेरीज को सपोर्ट्स करता है और इनको सॉल्व करता है इन टाइम प्रोपोर्शनल टू द पैटर्न साइज। अब फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है ये, अ ट्रीज आर यूज्ड इन स्पेल चेकिंग प्रोग्राम्स। अब इसको हम कहां पे यूज कर सकते हैं, स्पेल चेकिंग प्रोग्राम से हम आपको इसको यूज कर सकते हैं। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है वो मैं आपको एक बार क्लियर करता हूं अच्छे से कि हम यहाँ पे ट्री अगर बनाएंगे तो कैसे, किस तरीके से ट्री को हम क्रिएट करेंगे। आपका एक रहेगा रूट नोड, ठीक है। अब यहां पे आपको एक नोड गिवन है, ए एल ओ टी, ये एल आ गया, ए एल एल ओ टी, ठीक है। उसी तरीके से आपको यहां पे एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है और यहां पे बी है, ए है, डी है और टी है। अब अगर यहां पे आप देखोगे तो अपने को यहां पे कुछ आउटपुट्स मिलते हैं, किस तरीके से वो मैं आपको यहां पे लिखा हुआ है वो देखते हैं। यहां पे द ट्री शोज वर्ड्स लाइक अलॉट एंड एंड बैट एंड बैट। अब यहां पे देखोगे ए एल एल ओ टी, ए एन टी, ए एन डी और यहां पे आप देखोगे बी ए डी एंड बी ए टी। अगर यहां पे नोट करोगे आप तो ए मेरे यहां पे कॉमन है, अलॉट के लिए भी ए आ रहा है, एंड के लिए भी ए आ रहा है और एंड के लिए भी ए आ रहा है। और यहां पे आप देखोगे बी ए टी बैट के लिए बी आ रहा है और बैड के लिए भी बी आ रहा है यहां पे। तो यहां पे मेरा एक कुछ कॉमन वर्ड आ रहा है यहां पे स्टार्टिंग में, उसके बाद में जो भी आपके लेटर्स यहां पे चेंज होंगे उस तरीके से यहां पे आपको आउटपुट मिलता जाएगा। अब इसके देखते हैं कुछ क्या एडवांटेजेस ऑफ ट्रीज। नाउ कुछ दो पॉइंट गिवन आपको, वही आपको पढ़ने यहां पे, द कीज आर सर्च्ड यूजिंग कॉमन प्रीफिक्स। अब यहां पे जो भी आपको की आपको फाइंड आउट करना है या सर्च करना है वो कॉमन प्रीफिक्स को यूज करके, ठीक है। हेंस इट इज फास्टर, ऑब्वियसली अगर आपको कॉमन प्रीफिक्स आपको यहां पे दिया हुआ है और आपको उसी को यूज करके आपको कुछ वर्ड सर्च करना है तो आपका प्रोसेस काफी फास्ट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, ट्रीज टेक्स लेस स्पेस व्हेन दे कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट स्ट्रिंग्स एज नोड्स आर शेयर्ड बिटवीन कीज। अब ऑब्वियसली वहां पे आपके किसी प्रीफिक्स एक किसी एक लेटर से शुरू हो रहा है वहां पे, बराबर, तो वहां पे क्या करेगा वो स्पेस कम लेगा। जैसे मान लो अगर आप यहाँ पे बैड आ रहा है, बैड और बैट, वहां पे बी के लिए एक ही मेमोरी लोकेशन आएगा और ए टी और ए एन टी जो भी आपके आगे आने वाले लेटर्स होंगे उनके लिए अलग अलग होगा, लेकिन जो आपका प्रीफिक्स होगा वहां पे वो कॉमन रहेगा सारे वर्ड्स के लिए, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपके जो की है वो सब में शेयर होती है। नाउ अब आते हैं क्या, कंपेरिजन ऑफ ट्रीज विथ हैश टेबल। अब इसमें आपको कंपेयर करना है किसको, ट्रीज को उसके विथ हैश टेबल। पहला पॉइंट क्या बोला है, देर आर नो कोलिजन ऑफ डिफरेंट कीज इन अ ट्रीज। वहां पे आपका कोई भी की का वहां पे आपको कोलिजन नहीं होगा डिफरेंट कीज है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, नो हैश फंक्शन इन ट्रीज। यहां पे आपको ट्रीज में कोई भी हैश फंक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। थर्ड क्या बोलता है, डेटा रिट्रीवल फ्रॉम ट्रीज इज वेरी मच स्लोअर देन हैशिंग। अब आपको अगर यहां पे डेटा रिट्रीव करना है कहां से, ट्री से, तो काफी स्लो प्रोसेस है देन हैशिंग। क्यों, क्योंकि हैशिंग में आपको वहां पे आपको एक फॉर्मूला गिवन होता है, वहां पे आपको उसी फॉर्मूले को यूज करके आपको डायरेक्टली फाइंड आउट करना है, ठीक है। बट यहां पे आपको एक प्रीफिक्स गिवन रहेगा, वहां पे आपको सारे वर्ड्स आपको चेक करने पड़ेंगे कौन सा आपको लेटर फाइंड आउट करना है, किस लेटर को आपको फाइंड आउट करना है। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, ट्रीज आर नॉट अवेलेबल इन प्रोग्रामिंग टूल किट। वहां पे आपको ट्रीज जो होगा वो आपके प्रोग्रामिंग टूल किट में अवेलेबल नहीं होगा। ये था क्या आपका कंपेरिजन, एडवांटेजेस और उसके प्रेजेंटेशन और उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या इसका एक क्वेश्चन इस बेसिस के ऊपर कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है और कैसे करना है। नाउ आपको यहां पे ट्री कैसे जनरेट करना है वो मैं आपको बताता हूं। अब आपको कुछ यहां पे वर्ड्स गिवन है, बियर, बेल, बिट, बुल, स्टॉक एंड स्टॉक, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, यहां पे एक रूट नोड आएगा, ठीक है। अब इस रूट नोड के आगे आपको क्या करना है, अब पहला आपको कौन सा स्टार्ट हो रहा है, बी है और यहां पे देखो सेकंड लेटर कौन सा है, एस है, तो यहां पे आ जाएगा ये मेरा बी, ठीक है। अब बी के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ये आ गया मेरा ई, आगे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ये आ गया ए, नेक्स्ट क्या आएगा मेरा, यहां पे आ जाएगा आर,
ये आ गया मेरा बी ई ए आर, यानी मेरा बन गया ये पहला वर्ड दैट इज बियर। अब सेकेंड वर्ड क्या बोलता है, बेल। तो अब मेरा शुरू किससे हो रहा है, बी सी हो रहा है, तो मैं इसी इस नोट को मैं यहां पे कंसिडर करूंगा। अब बी के बाद में क्या आ रहा है, लेटर ई आ रहा है, तो बी के बाद में ऑलरेडी मेरे यहाँ पे ई अवेलेबल है, तो इसको मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा। अब ई के बाद क्या आ रहा है, एल आ रहा है, तो यहाँ पे एल है मेरा नहीं है, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं एल का यहाँ पे एक नोड जनरेट करूंगा, उसके आगे भी मैं एक एल का नोड जनरेट कर दूंगा। तो ये हो गया मेरा बी ई एल एल दैट इज बेल। नेक्स्ट वर्ड क्या बोलता है, बिड। नाउ अब आ गया मेरा बी से शुरू हो रहा है, बी आ गया मेरा, नेक्स्ट क्या आ रहा है, आई आ रहा है, बट आई है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे मैं एक नोड लूंगा, कौन सा, आई नोड। सेकेंड का है मेरा, लास्ट वाला क्या है, डी है, तो डी यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो बी आई एंड डी, ये आ गया मेरा बिड। अब नेक्स्ट लेटर मेरा क्या, नेक्स्ट वर्ड क्या बोलता है, बुल। अब बी बी आ गया मेरा अगेन, अब अगेन मुझे क्या करना है, यू देखना है, यू अवेलेबल है, नोड नहीं है, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे और एक यहाँ पे लूंगा, क्या आ जाएगा मेरा, ये आ गया यू, बराबर। अब अगेन यहां पे मेरा बुल बी यू आ गया, अब अगेन यहां पे मेरा एल देखना है, तो ये आ जाएगा मेरा एल, ये आ गया मेरा एल। तो यहां पे मेरे देखो बी से बी 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 एंड बी से शुरू हुए, तो देखो बी से मेरे सारे यहां पे लेटर्स कनेक्टेड है, तो ये आ गया बियर, बेल, बिट एंड बुल। अब सेकेंड मेरा लेटर कौन सा है, दैट इज अल्फाबेट कौन सा है मेरा, एस, स्टॉक एंड स्टॉप, तो मैं सेकेंड वाले को इस रूट नोड के राइट वाले साइड से लूंगा, तो ये आ गया मेरा यहाँ पे एस। अब एस क्या आ गया, कौन सा क्या है मेरा, स्टॉक है, तो ये अब एस का क्या आ जाएगा, सिंपल सा ये आ गया टी, ये बन जाएगा ओ, ये बन जाएगा सी, और ये बन जाएगा मेरा के, तो ये आ गया मेरा स्टॉक। अब नेक्स्ट वर्ड क्या बोलता है, स्टॉप, तो एस टी, एस आ गया, टी आ गया, अब ओ है, ये रहा मेरा ओ। अब आगे क्या आ रहा है, मेरा पी आ रहा है, तो मैं ओ से स्टार्ट करूंगा और यहां पे एक नोड बना दूंगा, दैट इज पी, तो ये आ गया मेरा स्टॉक, एंड ये आ गया एस टी ओ पी, आ गया मेरा स्टॉक। तो इस तरीके से आपको ट्री ट्री को जनरेट करना होगा, ठीक है। तो ये था क्या आपका पूरा टॉपिक ट्री ट्री का। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत, बेल आइकन प्रेस करना भूलना मत। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।